नमस्कार, इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस. आयरिश रॉड्रिगीस म्हणजे गोव्याची व्हिसल ब्लोअर. गोव्यातील विविध सामाजिक चळवळीमध्ये अत्यंत जागरूक असलेले एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेशीर लढाई लढताना वन मॅन आर्मी असलेले एक सजग असे मेजर देखील. ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस म्हणजे माहिती हक्क चळवळीतील एक लढवय्या कार्यकर्ता. अगदी लहानात लहान माणसापासून ते अगदी मोठ्यात मोठ्या व्यक्तीपर्यंतची बित्तम बातमी आणि त्याची सगळी कुंडली काढायची असेल तर कोणाकडे जायचं, तर ते आयरिश रॉड्रिगीस यांच्याकडं. अशा प्रकारचा एक सजग कार्यकर्ता असलेले आयरिश रॉड्रिगीस हे सर्वसामान्यांसाठी लढणारे एक तळमळीचे वकील देखील आहेत. केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांच्या मुलीने आसगाव येथे चालवलेले सिली सोल्स कॅफे अँड बार हे रेस्टॉरंट सध्या देशभर गाजते आहे. एकीकडे स्मृती इराणी सांगतात की माझी मुलगी 18 वर्षाची आहे, ती शिकत आहे, आणि दुसरीकडे त्या मुलीने आपलं रेस्टॉरंट किती चांगल्या पद्धतीनं चाललेलं आहे याचे इंटरव्ह्यू दिलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर गाजत आहेत. हे सगळं पाहिल्यानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये या घटनेची खळबळ उडणारी चर्चा सर्वत्र सुरू असताना ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस या प्रकरणाकडे कसे पोहोचले हे आपण जाणून घेऊया. सर, इन गोवा के स्टूडियो में आपका स्वागत. आपने आज तक बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, बहुत सारे इश्यू को न्याय दिलाने के लिए आपने संघर्ष किया है. ये सिली सोल्स कैफे एंड बार, ये जो रेस्टोरेंट है, आप वो स्मृति ईरानी की बेटी चलाती है. ये बार एंड रेस्टोरेंट इलीगली चल रहा है, ये आपको कैसा पता चला? देखो, हमको आसगांव से, आसगांव ये विलेज से बहुत कंप्लेन आया कि ये रेस्टोरेंट सुबह 3-4 बजे तक म्यूजिक प्ले करता है, लोगों को डिस्टर्ब होता है, लोकेलिटी का लोगों को सोने को नहीं मिलता है, बच्चों लोगों को त्रास होता है. इसलिए हम सोचा कि ये इसको लाइसेंस कैसा मिला, इसका इंक्वायरी होना चाहिए. इसलिए हम आरटीआई एप्लीकेशन डाल दिया एक्साइज कमिश्नर को, और हमको पूरा इंफॉर्मेशन मिला, फाइल नोटिंग्स, कॉरेस्पॉन्डेंस ये रेस्टोरेंट बदल. सो वो पूरा एग्जामिनेशन करके ऐसा समझा कि ये लाइसेंस जो दिया सिली सोल्स कैफे एंड बार वो टोटली इलीगल है. इसलिए है कि गोवा में रूल है, गोवा का लॉ है, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट वो है तो उसको एक्साइज का लाइसेंस मिल सकता है. ये एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए ये पूरा लाइसेंस इलीगल है. उसको रेस्टोरेंट और बार एक ही टाइम में उसको मिला. तुम्हारा एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है तो तुमको बार का लाइसेंस मिल सकता है. ये जो लाइसेंस दिया टोटली इलीगल है. दूसरा बात ऐसा है कि ये लाइसेंस एक एंटनी डी गामा इसका नाम पर दिया है. सो एंटनी डी गामा एप्लीकेशन किया January 2021 और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उसने उसका आधार कार्ड दिया. आधार कार्ड पर उसका एड्रेस मुंबई का है, विला पाले का है. अच्छा. और वो आधार कार्ड उसने December 2020 ये एप्लीकेशन करने के पहले, थोड़ा दिन पहले वो आधार कार्ड लिया. तो वो एप्लीकेशन एक्साइज को जब करता है वो एप्लीकेशन के साथ बहुत डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, एफिडेविट देना चाहिए. ये एंटनी गामा ने एफिडेविट नोटरी के सामने नहीं किया, स्टैम्प पेपर पर उसने सीधा साइन मारा और ये दिया. दूसरा बात ऐसा है कि एप्लीकेशन एक्साइज डिपार्टमेंट ने लेने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने वो
हेल्थ को भेजा और कोई डिपार्टमेंट को भेजा और पुलिस को ही भेजा एंटनी गामा का एंटीसीडेंट्स चेक करने के लिए। पुलिस ने एक्साइज को ऐसा रिपोर्ट भेजा कि ए एंटनी गामा गोवा में नहीं रहता है, वो मुंबई में रहता है। सो वो एक्साइज का ड्यूटी था कि वो उसका रिकॉर्ड चेक करने के लिए, उसका क्राइम कुछ है नहीं है कुछ वेरीफाई करने के लिए विला पाला पुलिस स्टेशन में भेजने का था, वो नहीं किया। वो सीधा सीधा दो तीन चार दिन में उसको वो एक्साइज लाइसेंस दिया। अभी ऐसा है कि पूरा असागांव जानता है, पूरा गोवा जानता है, पूरा इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर सब सोशल मीडिया पर दो साल से सब जानता है कि ये रेस्टोरेंट स्मृति ईरानी का फैमिली चला रहा है। वो जो एंटनी गामा वो डमी आदमी है, उसका कुछ इसके संबंध नहीं। अभी वो लाइसेंस जो 2021 में इश्यू किया, अभी रिन्यू करने के लिए वो लास्ट जून में रिन्यू किया, लास्ट मंथ जून में रिन्यू किया। लेकिन ऐसा है कि हमको बॉम्बे से रिपोर्ट मिला कि ये एंटनी गामा मर गया है। अरे 2021 में, जून 21 में। ओके, सो हम बॉम्बे से हमारा फ्रेंड के बाजू से वो डेथ सर्टिफिकेट बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी से लाया। वो एक्साइज के पास नहीं, किसी वो पंचायत के इधर वो आदमी एग्जिस्टिंग नहीं। सो ऐसा हो गया कि लाइसेंस जो रिन्यू किया वो डेड आदमी के नाम पर रिन्यू किया। ये कायदा में नहीं चलता है। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स हम एक्साइज कमिश्नर के पास सबमिट किया और उसने ये सिली सोल्स कैफे और बार इसको शो कॉज नोटिस लास्ट फ्राइडे को दिया और ये फ्राइडे 29th को हियरिंग हो जाएगा। सो ये हियरिंग में ये सिली सोल्स अभी कोर्ट चलाता है सब लोगों को मालूम पड़ेगा। ओके ओके, सिली सोल वो एंटनी गामा चलाता है, एंटनी गामा का बुत चलाता है, कौन चलाता है ये लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन हम स्पष्ट बोलता है कि पूरा दुनिया को मालूम है कि स्मृति ईरानी का फैमिली ये बार एंड रेस्टोरेंट चलाता है। हाँ, म्हणजे ज्या रेस्टॉरंट बद्दल आता संपूर्ण देशभरामध्ये चर्चा चालू आहे ते रेस्टॉरंट एका मृत व्यक्तीच्या नावाने लायसन घेऊन चालवलं जात होतं हा अतिशय धक्कादायक प्रकार त्यातून उघडकीस आलेला आहे। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस, गोव्यातील एक फायर बँड ITI RTI कार्यकर्ते आणि समाजसेवक, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत देशभर गाजत असलेल्या आसगाव येथील रेस्टॉरंटची, जे रेस्टॉरंट मधील बार एका मृत व्यक्तीच्या नावावर त्याची परवानगी मिळवण्यात आली। सर, आपने अभी बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है वो इलीगल तरफ से और एक मृत व्यक्ति के नाम से वहाँ उसका परवाना लिया गया, और सोशल मीडिया में जब ये सब बातें सामने आ रही थी, कुणाल विजयकर नाम के एक ब्लॉगर्स है जो स्मृति ईरानी के बेटी का इंटरव्यू ले रहे हैं और साथ में वो बीफ और वो सब टेस्टी टेस्टी फूड भी टेस्ट कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पूरे अब ये वीडियो सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ऐसे समय में ये मेरा होटल ही नहीं है, मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, मेरी बेटी नहीं चला रही है, ये दावा कब तक टिकेगा? देखो, सच से सच ये कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। ये रेस्टोरेंट स्मृति ईरानी का फैमिली चलाता है, ये हम बोल दिया है कि पूरा दुनिया को मालूम है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं स्मृति ईरानी को, वो बीजेपी का सीनियर लीडर है,
बीजेपी हम सब लोग जानता है एक कॉम्युनल पार्टी है, लेकिन श्रीमती ईरानी का रेस्टोरेंट बहुत सेक्युलर है। उसका रेस्टोरेंट में अच्छा से अच्छा पोक बीफ सब खिलाते हैं लोगों को। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करूंगा कि आपको अखलाक जो एक इंसिडेंट हुआ था यूपी में, जिसके पास बीफ मिला तो उसका मॉब लिंचिंग हुआ, और यहाँ तो खुलेआम संस्कारी पार्टी की नेता बीफ बेचती है, पोर्क बेचती है, क्या ये कौन से संस्कार है? लेकिन हम उसको, स्मृति ईरानी को शाबाशी देता हूं कि वो कॉम्युनल पार्टी में है लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत सेक्युलर है। जितना पोक खाने का है, कितना बीफ खाने का है। हम तो थोड़ा वेज है, लेकिन हम ये रेस्टोरेंट में सब लोग जानता है, हमारा बहुत दोस्त वो रेस्टोरेंट में गए हैं। हाँ। वो बोलता है जिधर इतना अच्छा बीफ और पोक किधर मिलता है। अच्छा। जितना चाहिए तुम खाओ। अच्छा। और भरपेट खाओ और अच्छा क्वालिटी का खाओ। अच्छा। उसमें कुछ है, लेकिन हमारा मुद्दा है कि तुम्हारा लाइसेंस जो 2021 में तुम लिया, बहुत इलीगल एक्ट में लिया, और ये साल को लास्ट मंथ जून में जो रिन्यू किया वो उससे इलीगल है, क्योंकि वो डेड आदमी का नाम पर तुम रिन्यू किया। एक कानून में एक बड़ा फॉर्जरी है, ये आदमी नहीं छूटेगा जो आदमी वो उसका साइन किया, उसका बोगस सिग्नेचर किया एंटनी डिगामा, इसलिए कि अभी एक्साइज कमिश्नर के पास उसका डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा। और ये बात बोलना सोचता है कि वो डेथ सर्टिफिकेट का एड्रेस, जो डेथ सर्टिफिकेट बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इश्यू किया, वो एड्रेस और एंटनी गामा का आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एक ही है। अच्छा। सो और जो रिपोर्ट गोवा पुलिस ने दिया था एक्साइज को कि ये एंटनी गामा इधर नहीं रहता है, विला पाला मुंबई में रहता है, ये तीनों एड्रेस एक ही है। अच्छा। सो मैच होता है। सो इसलिए ये 29th पर जो हियरिंग होगा एक्साइज कमिश्नर, वो एक्साइज कमिश्नर सोचेगा इस पर क्या एक्शन लेने का, क्योंकि ये फॉर्जरी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि एक्साइज कमिश्नर डिसाइड कर सकता है कि ये केस फॉर्जरी के बाद वो एंगल वो क्राइम ब्रांच को दियो, नहीं तो पणजी पुलिस को दियो, किधर दे देंगे। लेकिन ये पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि आजकल गोवा में कितना कितना फॉर्जरी होता है, सेल डीड के बारे में और बोलने का ही नहीं, इतना सेल डीड फॉर्जरी होता है, जिंदा आदमी को डेड आदमी जैसा दिखाता है, डेड आदमी को जिंदा दिखाता है, ये नहीं चल सकता है। गोवा हमारा बहुत स्मॉल स्टेट है, इतना फॉर्जरी हम पहला कभी नहीं देखा। अभी एक सब दिन अभी तो एसआईटी किया है, उसका कुछ फायदा होगा? नहीं, एसआईटी कितना इंक्वायरी करेगा, इतना केसेस है फॉर्जरी का। हम एक पेंडे का केस दिया, अभी तीन वीक हो गया, वो इंक्वायरी भी चलता है। एसआईटी कितना करेगा, इतना फॉर्जरी हुआ गोवा में। अभी इसके बारे, ये रेस्टोरेंट के बारे पूरा इलीगैलिटी, और अभी हमको ऐसा मालूम पड़ा कि ये स्मृति ईरानी जो चलाता है वो रेस्टोरेंट, उसका फैमिली चलाता है, उसका रेस्टोरेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए वो पंचायत का कुछ लाइसेंस नहीं लिया कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये भी फॉर्जरी है, ये टोटल उसको टोटल डिमोलिशन ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल विदाउट परमिशन। और हम इतना ही बोल सकता हूं कि ये जो सब काम किया कंस्ट्रक्शन का, वो स्मृति ईरानी का फैमिली है। स्मृति ईरानी है लॉ मेकर, लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं हो सकता है। वो बाय गुड एग्जांपल सेट करने के लिए हम पूछता है स्मृति ईरानी का फैमिली को, तुम लोग ऐसा कानून कैसा तोड़ते हैं? और दूसरा एक बात नजर में आया, हम वो डॉक्यूमेंट अभी देख रहा कि जो स्मृति ईरानी का फैमिली का वो
ये रेस्टोरेंट उसका जो बांधकाम किया कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर, वो छोटा बिल्डर है मुंबई का, वही बिल्डर ने ओल्ड गोवा जो बीजेपी लीडर का वो इलीगल बंगलो है, क्या नाम उसका, नहीं, वो बीजेपी लीडर सेंट्रल लीडर वही बिल्डर ने, अच्छा शाइना का ओल्ड गोवा में जो इलीगल बंगलो है उसका बांधकाम और स्मृति ईरानी का ये रेस्टोरेंट का बांधकाम वही बिल्डर ने किया, बॉम्बे का बिल्डर यही काम करता है। तो ये हम अभी डिटेल निकाल रहे हैं उसका, लेकिन ये इंक्वायरी सरकार ने करना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर से ऐसा अब्यूज करता है हम, बहुत बुरा बात है। और जो लोग हमारा लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि ऐसा करते हैं तो लोग क्या करेगा। एकूणच आसगाव मधील या बहुचर्चित रेस्टॉरंट मध्ये काय चाललेलं आहे, ते रेस्टॉरंट बांधकाम करण्यापासून ते त्याची वेगवेगळी लायसन्स मिळवण्यापर्यंत कायद्याला कसं पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आलेली आहे, याचं सविस्तर विवेचन ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस हे इथं करतात। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास।